हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है ए प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू 25 अपॉन में 4, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी दिस इज इक्वल्स टू 15 अपॉन में 2। स्टूडेंट्स वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हेयर ए एंड हेयर स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड हेयर बी एंड हेयर स्क्वायर रूट ऑफ बी। सो पुट स्क्वायर रूट ऑफ ए दिस इज इक्वल्स टू एक्स एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट स्क्वायर रूट इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज आल्सो पॉजिटिव। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ इफ वी टेक स्क्वायर बोथ साइड देन ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नाउ पुट स्क्वायर रूट ऑफ बी दिस इज इक्वल्स टू वाई। सो वाई इज ग्रेटर देन जीरो। देन स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू वाई। वाई इफ वी टेक स्क्वायर बोथ साइड देन बी इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स वाई हमारा जीरो नहीं हो सकता बिकॉज ए और बी कुछ ना कुछ नंबर्स है जो पॉजिटिव नंबर है, उनका एडिशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25 डिवाइडेड बाय 4। बिकॉज स्टूडेंट्स अगर आप सोचते हैं कि मान लीजिए ए जीरो है देन उसका स्क्वायर रूट जीरो होगा, अगर ए जीरो है उसका स्क्वायर रूट जीरो होगा देन स्टूडेंट्स एक्स भी जीरो हो जाएगा और एक्स हमारा जीरो नहीं हो सकता। अगर एक्स जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब ए जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब एक्स जीरो नहीं होगा और एक्स जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब एक्स जीरो से बड़ा होगा। इसी तरीके से बी भी स्टूडेंट्स जीरो नहीं हो सकता। अब बी जीरो नहीं है तो इसका मतलब वाई जीरो नहीं हो सकता और वाई जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब वाई जीरो से बड़ा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ ए प्लस बी एक्स स्क्वायर ए के बराबर है और वाई स्क्वायर बी के बराबर है। तो ए की जगह तो हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसी चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी इज रिप्लेस्ड बाय वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन में 4। एंड सेकेंड इक्वेशन है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए इज रिप्लेस्ड बाय एक्स एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ बी इज रिप्लेस्ड बाय वाई एंड दिस इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2। Now, this implies 1 is multiplied by 1, then we get 1 plus 1 is multiplied by y, then we get y plus x is multiplied by 1, then we get x plus x is multiplied by y, then we get x into y. This is equals to 15 divided by 2. Here, x plus y plus xy and this one left hand side में students ये positive का, right hand side में जाएगा तो negative का हो जाएगा. Then, x plus y, y plus x is same as x plus y, plus x, y, this is equals to 15 divided by 2 minus y. Now, x plus y plus x, y, this is equals to 15 by 2 minus 1, that is equals to 13 divided by 2. Now, here, students, equation first, let's say, x square plus y square this is equals to 25 divided by 4, x square plus y square this is equals to 25 divided by 4 and x plus y plus xy this is equals to 13 divided by 2. Here x plus y and x into y, so we know that x square plus y square this is equals to x plus y whole square minus xy. So students x square plus y square is replaced by this expression. Then x square plus y square ke jagah ye wali value aa jayegi to hamare paas aayega x plus y square minus sorry here 2 times xy 2 times x y
this is equals to 25 divided by 4, and here x plus y plus xy, this is equals to 13 divided by 2. Students, x plus y, x into y. x plus y repeat कर रहा है and x into y भी repeat कर रहा है. Put x plus y is equals to m and x into y is equals to m. Here x is greater than 0 and y is greater than 0. X is greater than 0 and y is greater than 0. If two numbers are greater than 0, then sum of two numbers is also greater than 0. So x is greater than 0 and y is greater than 0, and m x plus y. So m is greater than 0, and x into y, x is positive because x is greater than 0, and y is positive because y is greater than 0. So product of two positive integers is always positive. So n is greater than 0. Now x plus y is replaced by m, then m square minus 2 times x into y is replaced by n, this is equals to 25 divided by 4, and x plus y is replaced by m plus x into y is replaced by n, this is equals to 13 divided by 2. Students, here two equations and two variables m and n. So by using elimination method you will find out the value of m and n easily. Let's say this equation first and this is equation second. Students, if we multiply by 2 in equation second, then here 2n, and add the first equation, then minus 2n plus 2n is cancelled out. So multiply by equation 2 is 2. Then students, मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर रहा हूं, तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर माइनस 2n, दिस इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 4, एंड 2 इज मल्टीप्लाइड बाय m, देन वी गेट 2m, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय n, देन वी गेट 2n, दिस इज इक्वल्स टू 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइड बाय 2, देन 2 एंड 2 इज कैंसिल आउट, सो हियर 13. तो देखिए आगे यहां पर सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, इफ वी ऐड बोथ द इक्वेशंस, देन माइनस 2n प्लस 2n इज कैंसिल आउट, एंड m स्क्वायर प्लस 2m, दिस इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 4 प्लस 13. m स्क्वायर प्लस 2m, दिस इज इक्वल्स टू 25 divided by 4 plus 13 is same as 77 by 4. Now, here denominator part is 4. So, multiplied both side 4. Then 4 is multiplied by m square. So, here 4m square and 4 is multiplied by 2m. Then we get 8m. And this is equals to 4 is cancelled out by this 4. So here 77, 4m square plus 8m and plus 77, left hand side mein aega, minus 77, and this is equals to 0. Students, this is quadratic equation in m. So by using middle term split you will find out the value of m. Here 4m square plus 8m is same as 22m minus 14m minus 77, this is equals to 0. Here 2m is common, then 4m square is divided by 2m, then we get 2m, and 22m is divided by 2m, then we get plus 11, and here minus 7 is common, then minus 14m is divided by minus 7, then we get 2m, and minus 77 is divided by minus 7, then we get plus 11, and this is equals to 0. Here 2m plus 11 and 2m plus 11 is common, then 2m plus 11, and here 2m
minus 7 and this is equals to 0. So 2m plus 11 multiplied by 2m minus 7, this is equals to 0. Either 2m plus 11 is equals to 0 or 2m minus 7 is equals to 0. So here 2m is equals to minus 11 and m is equals to minus 11 upon 2. And here 2m is equals to 7 and m is equals to 7 upon 2. Students, here we know that x and y are positive integers. And we know that sum of two positive integers is also positive. So m is greater than 0. So m cannot be negative. So students, if m cannot be negative, so this value is rejected. M is equals to 7 divided by 2. And students, here m plus n, see, m plus n, this is equals to 13 divided by 2. Students, m plus n किसके बराबर है? 13 upon 2 के बराबर है. तो देखिए, m plus n, this is equals to 13 divided by 2. And value of m, m की जो value है वो कितनी है? 7 upon 2. Then m is replaced by 7 upon 2 plus n, this is equals to 13 divided by 2. And n is equals to 13 divided by 2 minus 7 divided by 2. Then n is equals to 2 and 13 minus 7, this is equals to 13 minus 7, that is 6 divided by 2, and n is equals to 3. Now students, n, dekhiye, n is equals to x into y. So here x into y is equals to 3, and x is equals to square root of a and y is equals to square root of b. So x is replaced by square root of a and y is replaced by square root of b, and this is equals to 3. Square root of a and square root of b multiply karenge to hamare paas aayega square root of a b, and this is equals to 3. If we take square both side, then square is cancelled out by square root. So here a times b, this is equals to 3 square, that is 9. Students, this is our final answer. Students, if you like my videos, then please subscribe my channel, and thank you.